बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चिल्ली ड्राई बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है ये, और सिंपल सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे एज अ स्टार्टर भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको मेन मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। टी टाइम पार्टीज़ के लिए भी बहुत ही ये आइडियल रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से बनने वाली ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर आपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सा चिकन चिली ड्राई को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg चिकन है मेरे पास बोनलेस है, और इसको छोटे क्यूब्स में मैंने तकरीबन 1 inch के क्यूब्स में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद इसके अंदर शामिल करते हैं 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 tablespoon सिरका, 2 tablespoon इसके अंदर हम शामिल करेंगे सोया सॉस। अब हम शामिल करेंगे 1/2 खाने का चम्मच इसके अंदर जो है वो नमक। कॉर्नफ्लावर इसमें हम शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच, और मैदा हम इसमें शामिल करेंगे 6 खाने के चम्मच। 1 अंडा हम इसमें शामिल करेंगे, और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारे जो मसाले हैं वो हर बाइट के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको तकरीबन कम से कम 1 घंटा और मैक्सिमम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अगर टाइम कम है तो 1 घंटा आपने ज़रूर रखना है। 1 घंटे के बाद अब हम इस चिकन को फ्राई कर लेते हैं। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि ये चिकन जो है ये कच्चा है और इसको हमने अच्छे तरीके से कुक करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। सारे पीसेस को हम इस तरीके से ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे, और थोड़ी देर के बाद जब एक साइड से ब्राउन हो जाएगा तो इसकी साइड्स हम चेंज करते जाएंगे, और इसी तरह इसको पलटते हुए हमने प्यारा सा गोल्डन सुनहरा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई जब मुकम्मल हमारा हो जाएगा तो एंड में हम थोड़ी देर के लिए इस फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, और फिर हम चिकन को इसमें से निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये अब्सॉर्ब ना करे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे कलर में हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा हमने तेज़ किया है ताकि जो है वो ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो पीसीस में से निकल जाए। बहुत ही खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया था चिकन के, और अब हम इस सारे चिकन को निकाल लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, चिकन जो है वो सारा हमने इसमें से निकाल लिया है, और अब देखिए किस कदर ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। वैसे ही इस तरह से भी रेडी टू ईट है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का ये चिकन रेडी हुआ था, और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है वो गल गया था। मैरिनेट आपने इसको पूरे टाइम के लिए करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में ले लिया है 4 से 5 tablespoon ऑयल है, 1 tablespoon चॉप किया हुआ लहसुन और 1 tablespoon चॉप किया हुआ अदरक है। इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस जस्ट इसकी खुशबू आने लगे। अभी हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर 2 tablespoon लंबाई में कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। 2 tablespoon इसके अंदर हमने शामिल किया है ग्रीन अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो, और इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स करने के बाद इसको हम 1/2 minute के लिए फ्राई कर लेंगे। चीज़ें हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। इसको हमने 1/2 minute के लिए फ्राई कर लिया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इनको मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया है, और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको भी मैंने जूनियन कटिंग में कट कर लिया है। इन दोनों को शामिल करके हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। शिमला मिर्च जो है उसको हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, इसको क्रंच थोड़ा सा इसका रहने देंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो बस निकल जाए। यहाँ पे अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें है 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच हम शामिल करेंगे सिरका, नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही हम 1/2 चाय का चम्मच ही इसमें काली मिर्च शामिल कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
लास्ट में हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून हरी प्याज जो कि बारीक चॉप की हुई मैंने, और साथ ही हम शामिल कर देंगे ये चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का ये चिकन चिल्ली ड्राई बन के रेडी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको एग फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और स्पेगेटीज़ के साथ भी, ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। किसी भी चीज़ के साथ आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत मज़ा आएगा, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। यहाँ में मैंने ले लिया है 1/4 कप पानी है और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून शामिल कर दी है कॉर्नफ्लावर। और अब हम इसके ऊपर इसको शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर शामिल करने से ये होगा कि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे और एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी। इसको दोस्तों हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे जो है वो पका लेना है कॉर्नफ्लावर को, और चम्मच हिलाते हुए हमने इसको कुक कर लेना है और फिर बस फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा चिकन चिली ड्राई माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बन के रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। ऊपर से आप थोड़ा से धनिया के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी दोस्तों, चिकन चिली ड्राई, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों फिर इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार टेस्टी और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा और उसमें नागा बिल्कुल मत कीजिएगा। दुआओं में अपनी इस बहन को याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।